आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। 8 बजे 8 बज चुके हैं और मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुछ है। और मैं जहूर लोला भी आपके साथ। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। अमरनाथ यात्रा तमाम तबकात की फला बहबूद और तरक्की की अलामत। मकामी मईशत और रोजगार के मौके भी यात्रा से जुड़े। सभी लोगों की शिरकत रवा साल की यात्रा और सकाफत को बनाएगी कामयाब। एलजी मनोज सिन्हा। अमरनाथ यात्रा वादी कश्मीर में भाईचारे के जज्बे का सबूत। मुसलमान और हिंदू यात्रा के हमवार इनेकाद के लिए एक दूसरे का देते हैं साथ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। फौज, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की आला सतही मीटिंग। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में हिफाजती इंतजामात का लिया जायजा। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा हो रही है शुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा अजय कुमार सदोत्रा का बयान। दफा 370 की मनसूखी के बाद तरक्की के दावे हुकूमती प्रोपेगेंडा का। बीजेपी के अमराना हुक्मरानी का खिमियाजा भुगत रहे हैं आम लोग। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने बशारत बुखारी को पार्टी से किया बेदखल। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का लगा इल्जाम। कीरी के तमाम यूनिट्स भी किए तहलील। ट्वीट के जरिए पार्टी ने किया ऐलान। पुंछ में शाहरा की मरम्मत के दौरान 11 ग्रेनेड, 50 जंग आलूद शैल बरामद। बीडीएस ने बरामद शुदा मवाद को बनाया नाकारा। बिमनस श्रीनगर में कमसिन फ्लड चैनल में घर की आग। रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों से लगातार जारी। इलाके में सफी मातम। और वादी नील में समर कार्निवल का इनेकाद। हजारों लोगों ने कार्निवल में की शिरकत। सयाहों की तवज्जो इलाके की और रागिब कराना प्रोग्राम का है मकसद। और अब पेश है खबरों की तफसील। श्रीनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अराकीन की 12वीं रिहायशी मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद थे। इस मौके पर एलजी ने खिताब करते हुए आईसीएआई के मेम्बरान के मुल्क की तरक्की में उनके ताउन के लिए अनमोल शराकत की तारीफ की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 1949 में अपने क्याम के बाद से वाकई एक तवील फैसला तय किया है और पॉलिसियों, हुक्मरानी और कारोबार में बहुत ज्यादा ताउन किया है। अकाउंटेंसी सिर्फ बैलेंस शीट का मामला नहीं है, बल्कि यह मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए एक मजबूत बुनियाद रखने के बारे में भी है। एलजी ने कहा है कि कौम की तरक्की में एक मजबूत शराकतदार के तौर पर आईसीएआई ने जामिया तरक्की से मुतलिक अहम पॉलिसियों के निफाज में मुख्तलिफ सरकारी इदारों, रेगुलेटरी इदारों की मुसलसल मदद की है ताकि हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ सके और मईशत मजबूत हो। अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार को यहाँ से दरबार चलता था जम्मू के लिए, तो दरबार जिस दिन जाता था उसके 10 दिन पहले से लेकर और जब तक जम्मू पहुंचता था 10 दिन बाद तक सामान्यतया दफ्तर में कोई आता ही नहीं था। तो चीफ सेक्रेटरी ने मुझे 2 दिन पहले कहा, 28 अक्टूबर, मुझे अभी भी याद है, कि सर वो दरबार मूव होने वाला है, जरा आपको 2 मिनट के लिए वहाँ चलना होगा। तो मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना हो रही थी। ये वाकया है 28 अक्टूबर 2020 का। अब 1000 कमरे किराए पर लिए जाते थे 6 महीने के लिए श्रीनगर में, और 800 कमरे लिए जाते थे किराए पर जम्मू में। अब एक कमरा नहीं लिया जाता है किराए पर और न कोई ट्रक आती जाती है आज के वैज्ञानिक युग में। मुझे बताते हुए खुशी है कि ई गवर्नेंस रैंकिंग में यूटीज की श्रेणी में हम नंबर 1 हैं, और आपके बीच में ये कह रहा हूं कि अगली बार जो रेटिंग आएगी राज्यों को मिलाने के बाद भी हम ही एक नंबर 1 होंगे, ये मैं आपके बीच। इसके पहले आप सब बाहर से आए हैं, कभी ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट हुआ करता था, अब टूरिज्म और तरक्की का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। कुछ जिले ऐसे हैं जिनको दूसरे कारणों से आप जानते थे, पुलवामा, शोपियां। पिछले बार 10-10 हजार नौजवान वहां तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, ये दृश्य पिछले 2-3 सालों में देखा। और 1,88,00,000 टूरिस्ट पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में आया है,
और मैं आश्वस्त हूं कि इस बार ये संख्या 2 करोड़ नहीं 2.25 करोड़ से ज़्यादा बढ़ने वाली है। मैं जानता हूं कि हमारे पास कमरों की कमी है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ऐसा समय नहीं है कि मैं इस पर विस्तार से बताऊं, लेकिन 2 साल में देश के किसी भी शहर से बेहतर सुविधाएं यहाँ हैं, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। 150 दिन हड़ताल के होते थे, 1 जनवरी को हमारा जो पड़ोसी है वो हड़ताल का कैलेंडर जारी करता था। अब एक दिन भी नहीं स्कूल बंद होता है, पत्थरबाजी अब इतिहास की घटना हो गई। 365 दिन भी जनजीवन अब सामान्य रहता है, बिजनेस और विद्यालय और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चलते हैं। आज जम्मू कश्मीर नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मैं मानता हूँ कि उसमें समाज के सभी प्रोफेशनल्स तथा विशेष रूप से ICI के मित्रगण सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। मैं ICI के मेंबर्स, सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स को मात्र सार्वजनिक क्षेत्र का सर्विस प्रोवाइडर नहीं मानता हूं, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन का भी एक बड़ा कारक मानता हूं। आज जबकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल्स बिजनेस के रुकन पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क में नफरत फैलाने वालों को यह देखना चाहिए कि अमरनाथ यात्रा के हमवार इनेकाद के दौरान कश्मीर में मुसलमान और हिंदू किस तरह एक दूसरे के साथ दे रहे हैं और एक दूसरे की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा वादी कश्मीर में भाईचारे के जज्बे का सबूत है और उन्हें देखना चाहिए कि किस तरह मुसलमान और हिंदू यात्रा के हमवार इनेकाद के लिए एक दूसरे के साथ है। पानी, बिजली और गजाई इजनास की कमी के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मसाइल हर साल पैदा होते हैं, लेकिन हुकूमत को इन खदशात को दूर करना चाहिए। मुबारक हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोग आते हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि उसमें हमेशा बरादरी का मामला रहा है। कश्मीरी ही जो है वही इनका सामान भी उठाता है, वही इनके लिए सब कुछ करता है। जो नफ़रतें वतन में पैदा की गई हैं उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ कैसे मुसलमान और हिंदू किस तरह एक दूसरे का साथ देते हैं और वो आराम से यात्रा करते हैं। हमें हर साल ये मुश्किल आती है, अल्लाह का करम है, अभी तक पानी बरस रहा था तो हमें बिजली की हालत अच्छी थी। अल्लाह करे कि आगे भी हमारी बिजली की हालत अच्छी रहे। मैं भी हुकूमत से गुजारिश करूँगा इसी तरह तवज्जो दें। पानी की स्कैसिटी हो जाती है, मगर अभी पानी की स्कैसिटी इतनी नहीं है, मगर इनको ज़रूर इसकी तरफ देखना चाहिए। जहाँ तक राशन का मसला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब वो कम कर दिया है। हम लोगों ने अपील की है, क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूँ फूड का, हमने उसमें गुजारिश की है कि यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि हम चावल खाने वाले हैं, हमें इसकी तो पहले भी मकदार थी, उसको बहाल किया जाए। हमने गुजारिश किया, उम्मीद करते हैं कि वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।